यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। सो अभी का सीन ये है कि हमें अभी उज्जवल भाई ने हीरो ब्रांड एसएमपी में बुलवाया है सीक्रेटली, और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ हमें परमिट की है, और वो है कि हमें सिर्फ इसी टाइम पे आना है जिस समय पे कोई भी ना हो एसएमपी में। सो सबसे पहले तो मुझे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो फिर अभी मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया है और हीरो ब्रांड एसएमपी यहाँ पे है। सो ये रहा अपना भिक्षु भाई का घर, जहाँ पे अभी हम लोग हर जगह विजिट करने वाले हैं। एक का घर नहीं विजिट करेंगे, वो रहा चपाती भाई का घर। सो शुरुआत करते हैं अपने ये वाले हॉल से। पता नहीं कौन सा हॉल है ये, आई थिंक मीटिंग हॉल है। सो यहाँ पर चल लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर एक बेड पड़े हुए हैं, पाँच बेड पड़े हुए हैं और लार्ज चेस्ट पड़ी हुई है तीन। सो इसमें तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ पड़ा होगा। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, एंड आई होप उसमें कुछ हो नहीं है। सो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो अब हम आगे चल लेते हैं। सो ये किसका घर है मुझे नहीं पता पर्सनली, तो आई थिंक उज्जवल भाई का ही घर है ये। सो ये रहा घर, इस चेस्ट में कुछ भी रखा है, कुछ सामान रखा है। सो मैं ये सारा सामान उठा लेता हूँ जो मुझे जो जो काम आएगा। तो यहाँ पे ये अपने उज्जवल भाई का, यहाँ पे ये छत टूटी पड़ी है। सो अभी नीचे उतर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे भी सेम ही है। सो अब यहाँ से निकल लेते हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं चपाती भाई के घर पे, जो कि यहाँ पे है। तो अपने चपाती भाई का घर कुछ अलग ही है, मतलब नीचे से कोई मतलब वो नहीं है, सपोर्ट हवा में उड़ रखा है, बट अच्छा है। यहाँ पे एकदम मतलब मेडिवल स्टाइल की फील दे रखी है चपाती भाई ने, मतलब पूरा ओल्ड थीम का बना हुआ है ये। और यहाँ पे बेड पड़ा है, चेस्ट पड़ी है जिसमें कुछ भी नहीं है। सो बस इतना ही घर है यहाँ का चपाती भाई का, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब रखा हुआ कुछ भी नहीं है। सो अब जल्दी से नीचे चल लेते हैं किसी और का घर देखने के लिए। सो अभी हम आ चुके हैं चपाती भाई के एनिमल फार्म पे। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चपाती भाई का बहुत अच्छा एनिमल फार्म है यहाँ पे, और ये शायद से चपाती भाई का माइनिंग एरिया है। सो ये हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी के लिए आगे चल लेते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अज्जू भाई का ये वाला घर देखने के लिए। सो अभी देखते हैं, वैसे यहाँ पर ये क्या है, किसका घर है, मतलब ये देखने आया हूँ मैं। सो ये यशमाटी पार्क सर का घर है, और अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो यहाँ से अभी बाहर चल लेते हैं, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है पता नहीं किस चीज़ का। सो अभी बाहर चल लेते हैं जल्दी से। और अभी अपन लोग आ चुके हैं अज्जू भाई के इस वाले घर में। सो नीचे वाले फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं है। अभी चल लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर। सो फर्स्ट फ्लोर पर ये दो चेस्ट रखे हुए हैं, एक में तो कुछ भी नहीं है, दूसरे में देखते क्या है, दूसरे में भी कुछ नहीं है। सो अभी यहाँ पे चल लेते हैं बालकोनी में, और बालकोनी में भी कुछ भी नहीं है। सो अब सेकंड फ्लोर पे चल लेते हैं अपन लोग। सो यहाँ पे दो चेस्ट रखी हुई है जिसमें आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है, एक में तो नहीं है, दूसरे में भी कुछ नहीं है। सो अभी वापस से नीचे चलते हैं और किसी और का घर एक्सप्लोर करते हैं। अभी अपन लोग आ चुके हैं भिक्षु भाई के घर में। सो ये है भिक्षु भाई का एनिमल फार्म। सो मैं यहाँ पे पहले इनको बीट खिला देता हूँ, और यहाँ से ये इनको ये भी दे देता हूँ सीड जो मेरे पास पड़ा है। सो ये और तो खाएंगे नहीं, तो फिर अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, और मैं जल्दी से चल लेता हूँ भिक्षु भाई के घर में। सो मैं यहाँ पे फेंस गेट ओपन कर लेता हूँ, और नीचे से तो कोई मतलब रास्ता है नहीं एंट्री का, और ये गैरेज के लिए वो जगह है, और यहाँ से मतलब आगे जा सकता हूँ मैं, तो मैं आगे चल के देख लेता हूँ कोई जगह के एंट्रेंस के लिए। सो यहाँ पे एक एंट्रेंस है जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब खाली कमरा है सिर्फ, तो मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ और दूसरी जगह पे चल लेते हैं। सो अब मैं यहाँ पे मतलब फ्रंट में आ चुका हूँ वापस से, और ऊपर चल लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे चेक करते हैं क्या रखा है। सो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, आगे कुछ चेस्ट्स हैं, लेकिन मैं पहले ग्राउंड फ्लोर पर चल लेता हूँ। सो यहाँ पर इनका बेडरूम है एकदम ओपी सा, सो यहाँ पर चेस्ट में तो कुछ है नहीं, फिर भी चेक कर लेता हूँ। और ये मतलब बहुत अच्छा बना रखा है भिक्षु भाई ने, और अभी एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। सो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से तो नीचे ही रहते हैं।
और इस तरफ में तो मतलब कुछ है नहीं खास। सो यहाँ पे आई थिंक बालकोनी है, और या यहाँ पे बालकोनी है। सो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ क्या, ट्राई कर लेता हूँ, और यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। सो अब चल लेता हूँ मैं किसी और के घर को एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी अपन लोग जाने वाले हैं अज्जू भाई के इस वाले घर को एक्सप्लोर करने के लिए, जो आई थिंक अज्जू भाई का फर्स्ट हाउस है। सो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ तो एकदम मतलब खाली खाली सा ही है। और अभी यहाँ पे तो मतलब ब्रीडिंग हॉल है उसका, विलेजर्स का, और एक आयरन फार्म है, और कुछ भी नहीं है। सो अभी मैं यहाँ से नीचे चल लेता हूँ, और नीचे देखते हैं कोई एंट्रेंस है क्या। सो इधर तो कुछ नहीं है, और इस तरफ को चल के देखते हैं एंट्रेंस है क्या कोई नीचे के लिए। और यहाँ पे एक एंट्रेंस है नीचे के लिए, सो यहाँ से चल लेते हैं। और यहाँ पे भी मतलब एकदम खाली खाली सा ही रूम है, कुछ भी नहीं है इसमें। सो यहाँ से तो बाहर निकल लेते हैं अपन लोग, और अभी हम लोग इधर देख लेते हैं ये किसका घर है क्या है मतलब। सो ये तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई साइन बोर्ड वाइन बोर्ड नहीं है यहाँ पे, और चेस्ट में भी कुछ रखा नहीं है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग चल लेते हैं ईशान भाई के घर में, और मेरा हंगर बार एकदम लो हो गया। सो अभी अपन लोग आ चुके हैं ईशान भाई के घर पे। सो अभी यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या कुछ रखा हुआ है। सो यहाँ पे आई थिंक ग्लास पेंट्स होते हैं, लेकिन अभी नहीं है। सो उसको छोड़ते हैं और अंदर चले जाते हैं, और चेस्ट चेक करते हैं हम लोग। मतलब फुल चोर बन के आए हैं हम लोग इनके घर में। सो अभी देख लेते हैं चेस्ट में क्या रखा है। मेरे हिसाब का तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बो है, और वो भी मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मेरे पास एरोज़ नहीं है। और इसमें देख लेते हैं क्या है, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे ईशान भाई ने अपना ओपी सा बेड लगा रखा है, एकदम डबल बेड ओपी सा लगा रखा है। यहाँ पे इनकी बालकोनी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका सिटिंग एरिया मतलब चिलिंग एरिया बेसिकली, और बाकी सब खाली है। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं। सो अब चल लेते हैं अपने किसी और के घर पे एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी अपन लोग आ चुके हैं आयरन फार्म देखने के लिए। सो जल्दी से ऊपर चल लेते हैं और आयरन फार्म देखते हैं कहाँ पे। सो ये रहा आयरन फार्म, और यहाँ पे मतलब आयरन गोला मार करके मरता है, यहाँ पे आयरन भी गिरा पड़ा है। सो अभी यहाँ पे चेक करते हैं कितना आयरन है, 21 आयरन है। सो यहाँ से दूर हटते हैं और ज़रा विलेजर से मिल के आते हैं, और जॉम्बी को भी देख लेते हैं। सो जॉम्बी और यहाँ पे विलेजर्स हैं जिनसे मुझे कुछ काम नहीं है। सो मैं तो यहाँ से नीचे ही चलता हूँ, और अभी चल रहे थे एंड्रू भी भाई के घर पे घर को एक्सप्लोर करने के लिए। सो एंड्रू भी भाई के घर के यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक फार्म और ट्री है। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक लामा और कुछ एनिमल्स है, मतलब एनिमल फार्म है बेसिकली, अंडरग्राउंड है ये एंड्रू भी भाई का। सो अभी चल लेते हैं इनके घर में, और इनका घर का भी दरवाज़ा खुला पड़ा है। सो अभी चल लेते हैं, और यहाँ पे इनका ओपी सा बेडरूम है, क्राफ्टिंग टेबल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इनका स्मेल्टिंग सिस्टम और थोड़ा सा स्टोरेज रूम है। एनविल भी पड़ा हुआ है यहाँ पे इनका, जिसमें मेरे को तो कोई काम नहीं है। सो अभी यहाँ पे चल लेते हैं, और ये माइनिंग एरिया है इनका। सो यहाँ पे तो मेरे को कुछ काम नहीं है, ज़्यादा कुछ खास माइनिंग कर नहीं रखी है इन्होंने, मतलब जब वो चाहिए होता है ना स्टोन्स, तब तक की माइनिंग कर रखी है। और यहाँ पे भी एक जगह है, यहाँ पे भी चल के देख लेते हैं क्या है। सो यहाँ पे हम लोग अंडरग्राउंड आ चुके हैं, और यहाँ पे भी कुछ तो होगा ही। सो अभी देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और यहाँ पे एक टनल जा रही है। यहाँ पे भी एक स्टोरेज रूम, स्मेल्टिंग सिस्टम और क्राफ्टिंग टेबल है। सो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, आई डोंट थिंक सो ये कुछ होगा। और ये चेस्ट खुल ही नहीं रही है क्योंकि इसके ऊपर ब्लॉक है, और ये मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ। और यहाँ पे इनका नेदरराइट आर्मर पड़ा है फुल। सो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, और अभी मैं इनका नेदरराइट आर्मर ये वाला पहनने वाला हूँ। ओके गाइस, तो फिर अभी मैंने एंड्रू भी भाई का नेदरराइट आर्मर पहन लिया, और ऊपर ग्लिच हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने पहन लिया यहाँ पे ये नेदरराइट आर्मर, और मुझे पता है आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्पेस कम है। और यहाँ पे तो मतलब हो गया, मैंने नेदरराइट आर्मर पहन लिया। सो अभी मैं अभी पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया, और अभी मैं इनका नेदरराइट आर्मर रख देता हूँ जल्दी से। गाइस, तो मैंने अभी उनका नेदरराइट आर्मर वहाँ पे रख दिया है, और मतलब आपको होप ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि उज्ज्वल भाई ने मेरे को इस मतलब SMP में इनवाइट किया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये बस मजाक के लिए था। असल में मैंने ये वर्ल्ड डाउनलोड किया है। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्ल्ड मैंने कैसे डाउनलोड किया, और मैं कैसे इसके अंदर आया। सो अभी आपको मैं लेके चल लेता हूँ अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को इस वर्ल्ड में डाला। सो अभी चल लेते जल्दी से फ़ोन की होम स्क्रीन पे।
सो गाइस, आपको अगर हीरोब्रेन एसएमपी का मैप चाहिए सो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है माइनक्राफ्ट मैप। और यहाँ पे आपको ये वाला सर्च रिजल्ट मिलेगा, सो आपको बस यहाँ पे जाना है और फिर आपको यहाँ पे मैप्स फॉर माइनक्राफ्ट पीई यानी कि पॉकेट एडिशन, इस पर क्लिक करना है और आपको इसे इंस्टॉल करके रख लेना है। सो इसका लोगो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा और इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको माइंड मैप्स मिलेगा और फिर यहाँ पे आप ऐसे आ जाओगे। सो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे जैसे ऑल मैप्स, सिटीज़, हाउसेस, स्काई ब्लॉक, पार्कोर, मिनी गेम्स, यहाँ से आप कोई भी मॉड इंस्टॉल कर सकते हो। सो आपको ऑल मैप्स पे जाना है या फिर आप सर्च भी कर सकते हो हीरोब्रेन एसएमपी। और सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये हीरोब्रेन एसएमपी आ जाएगा। सो उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा इंस्टॉल्ड है और डाउनलोडेड भी है और प्ले पे क्लिक करके आप अपने पूरा उसमें पहुँच जाओगे माइनक्राफ्ट में और आप उसे प्ले कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये हीरोब्रेन एसएमपी में कैसे एंटर किया और यहाँ पे कोई क्यू नहीं है। सो आपको पता चल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो और ऐसी बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।